दोस्तों, हमारे जीवन कितने उतार चढ़ाव पूर्ण होता है, जैसे समुद्र में उठती हुई लहरें। आखिरकार वो लहरें किनारों में आके दम तोड़ ही देता है, मानो जैसे किसी की उम्मीद, आपकी उम्मीद, हमारी उम्मीद। क्या ये सही है? क्या ये नज़रिया सही है? क्या उम्मीद आखिर में टूटता है, या हमारे अंदर छुपे हुए वो विचार जो हमें आगे बढ़ने नहीं देता? दोस्तों, मैं जब भी आसमान की ओर देखता हूँ, मेरे मन में एक ही विचार आता है, हमारे ब्रह्मांड कितने अद्भुत और विशाल है, कितने सारे सितारे और ग्रहों को अपने अंदर समाया हुआ है। ऐसे अद्भुत ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई होगी? विज्ञान कहता है ये दृश्यमान ब्रह्मांड एक छोटे से बिंदु के रूप में था, जैसे एक विशाल वृक्ष एक छोटे से बीज में। फिर ऐसे ये घटना हुई जो हमारे इस ब्रह्मांड को अस्तित्व में लाया। ये घटना ब्रह्मांड की हर एक पार्टिकल को खुद से दूर ढकेलने लगा। फिर करीबन 1,00,000 साल बाद यही गर्म पार्टिकल्स आपस में जुड़ के सितारों को जन्म दिया, और यही सितारे न्यूक्लियर फ्यूजन करके पत्थरों को जन्म दिया, और पत्थर आपस में जुड़ के ग्रहों को जन्म दिया, और ऐसे ही करोड़ों प्रक्रियाएं अरबों सितारों ग्रहों को जन्म दिया जो मिलके गैलेक्सी बन पाए, और ऐसे ही 2 ट्रिलियन गैलेक्सी मिलके बना हमारा ये ब्रह्मांड। और इतने विशाल ब्रह्मांड के एक छोटे से बिंदु में है हमारा ये सोलर सिस्टम, और यही सोलर सिस्टम में जिस प्लेनेट पे हम रहते हैं उसे हम धरती कहते हैं। इस धरती के जन्म होने के लगभग 4 बिलियन साल बाद पहली बार जीवन अस्तित्व में आया, और उसके 3.5 बिलियन साल बाद इंसान इस धरती पे आया, और हम लोग एक खुशहाल जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ सपने जो पूरा करने की कोशिश करते करते एक दिन इस दुनिया को अलविदा कह जाते हैं। क्या यही अंत है? क्या एक दिन सभी प्लेनेट सितारे नष्ट हो जाएंगे? कैसे और कब इन ब्रह्मांड के अंत होगा? विज्ञान कहते हैं ये ब्रह्मांड लाइट स्पीड से भी तेज फैल रहा है। एक दिन ये ब्रह्मांड फैलते फैलते अंधकार की गहराई में चला जाएगा। तब कुछ होना या ना होना कोई मायने नहीं रखेगा। जब भी हम अपने छोटे से आँखों से आसमान को देखते हैं, सिर्फ कुछ तारे और ग्रहों को नहीं देख रहे होते हैं, हम सीधा इन विशाल ब्रह्मांड के साथ नजर मिला रहे होते हैं। दिल की गहराई से एक समझ आता है, चांद एक पत्थरों का गोला है जो धरती का चक्कर काटता है, और सूरज एक आग का गोला है जिसने अपने आसपास ग्रहों को जला डाला। आसमान में जितने भी सितारे दिखाई पड़ते हैं, वो सब एक बड़े आग का गोला है जो इस विशाल ब्रह्मांड की एक अंधकार कोने में पड़ा है, और जो ये सफेद धब्बा है ये हमारी गैलेक्सी का सेंटर है, जहाँ हमारी गैलेक्सी का सारे सितारे एक विशाल ब्लैक होल का चक्कर काट रहा है। कितना कुछ हो रहा है यहाँ, एक पागलपन चल रहा है। कुछ सितारे अपने ही ऊर्जा की चरम अवस्था में जाके फूट रहा है, फिर ब्लैक होल बनके आसपास की सब कुछ निगल रहा है। ऐसे ही एक सितारे धरती के पास भी है जो किसी भी समय बदल सकता है, और एक ही सेकेंड में धरती को तबाह कर सकता है। अगर इस चीज से हम बच भी गए तो एक दिन धरती तबाह हो के ही रहेगा। हर चमकता हुआ सितारे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि कुछ भी अमर नहीं है, एक दिन सब खत्म होने वाला है। जैसे व्यस्त सड़क पे चलती हुई कीड़ा, वो तब तक जिंदा रहेगा जब तक वो गलत समय पे गलत जगह ना जाए। उस सड़क पे कोई उसे मारने के बारे में सोच नहीं रहा है, कोई उसके तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। वो सड़क उसके जन्म से पहले भी था और उसके मौत के बाद भी रहेगा। उस सड़क को कोई फर्क नहीं पड़ता वो कीड़ा जिंदा रहे या मर जाए। उस सड़क को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो कीड़ा खुद को बचा पाता है या मारा जाता है। वो कीड़ा दर्दनाक मौत मरता है या खुशहाल। आप और हम ये सोच रहे थे अगर कुछ नया करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, यहाँ बहुत कुछ हो रहा है। ब्रह्मांड हमारी परवाह नहीं करता, वो कर भी नहीं सकता। ये सृष्टि और विनाश केवल पार्टिकल की अवस्थाओं की परिवर्तन मात्र है। हम कुछ करने से पहले ये सोचते हैं हमारा ये काम पूरे समाज को बदल देगा, पूरे ब्रह्मांड को बदल देगा। हमारे लिए गए फैसले इन ब्रह्मांड की टाइम और स्पेस को इफेक्ट करेगा।
ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये ब्रह्मांड बिलियन लाइट ईयर्स बड़ा है, जहां हम रजिस्टर भी नहीं होते हैं। तो क्यों हम बार बार पीछे हट जाते हैं कुछ नया करने से? क्यों हम ये सोचते हैं समाज के सिस्टम से बाहर कुछ करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? क्यों हम खुद कुछ ना करके उम्मीद लगाते हैं, काश सब कुछ अच्छा हो जाए? जब ये उम्मीद टूटता है, हम भी टूटते हैं और ये मान लेते हैं शायद यही किस्मत है। और फिर हमारे मन में समुंदर की उस लहरों की तरह और एक उम्मीद को जन्म देता है जो फिर टूटने वाला है। आप क्यों नहीं उठ रहे हो? आप क्यों नहीं वो कर रहे हो जो आपको पसंद है? ये जिंदगी एक तरफा चलने वाला ट्रेन है। जो समय आप गवाओगे वो कभी वापस नहीं आएगा। हम उस सड़क के कीड़े की तरह हैं। मरना हमारा तय है। ब्रह्मांड हमसे प्यार नहीं करता और ब्रह्मांड हमसे नफरत भी नहीं करता। ब्रह्मांड को ये फर्क नहीं पड़ता हम आनंद के साथ जिंदगी जिए या दुख के साथ मर जाए, ये हमें मैटर करता है। अगर आपके जिंदगी को अपने लिए कुछ मायने रखना है तो ये आप पे डिपेंड करता है। आप ब्रह्मांड को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, समाज को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आप हमेशा जिंदा नहीं रह सकते। आप बस आपकी जिंदगी और आपके आसपास के जिंदगी को बेहतर बना सकते हो। आपको जो चाहिए उसको पाने की उम्मीद रखना बंद करो, क्योंकि ये ब्रह्मांड बहुत ही व्यस्त है। इसके पास बनाने के लिए दुनिया और बर्बाद करने के लिए गैलेक्सी है। अगर आप खुद की बर्बादी से डर रहे हो तो मत डरो, क्योंकि मौत आने ही वाला है, क्योंकि यही हमारी अंतिम नियति है। हम ब्रह्मांड के धूल से बने हैं और उसमें ही एक दिन विलीन हो जाएंगे, यही सच्चाई है। आपको पसंद आए या ना आए, या आप अपनी जिंदगी के आखिर में खुशी और गर्व के साथ पहुंचेंगे या थके और हारे हुए, पर आप पहुंचेंगे जरूर। हमारे पास सिर्फ अब है ये समय। अगर आपके पास शक्ति है तो अब है। अगर आपको कुछ करना है तो अब करना है। जिंदगी में कुछ पाना या ना पाना ये आपके हाथ में नहीं, पर करना आपके हाथ में है। और यही करना आपके इच्छाओं के साथ जोड़ दो, उसके बाद कुछ बाकी नहीं रह जाता, क्योंकि जो पाना था वही आप कर रहे हो।